चलो अभी डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मतलब, हेक्स मतलब 6, डेसिमल मतलब 6, इसलिए 10 और 6 16 हेक्सा डेसिमल। ये भी हम हमारे पर्पस के लिए ही कर रहे हैं, राइट। जैसे ऑक्टल में हमने 3 3 बिट्स किया, अब हेक्सा डेसिमल का कंसेप्ट समझते हैं, राइट। हेक्सा डेसिमल होते हैं 0 से 9, फिर A B C D E F। तो यहाँ F का मतलब होता है 15 इन डेसिमल, राइट। अब मुझे बताओ 15 को सिंगल डिजिट में लिखना हो, 15 को सिंगल डिजिट में कैसे लिखोगे? तो ये F से लिखेंगे। F लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? 15। अभी अदरवाइज हम बोलेंगे यार 15 को कैसे सिंगल डिजिट, सर डेसिमल में 15 तो 2 डिजिट का नंबर होता है। लेकिन हेक्सा डेसिमल में 15 जो है ये सिंगल डिजिट है, क्योंकि 0 से 15 तक 16 हुए ना, इसलिए यहाँ हेक्सा बोलते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर तो ये हुआ, हेक्सा नंबर का हाईएस्ट नंबर ये हुआ ना, ठीक है। एफ देखेंगे तो एफ हमारा हाईएस्ट है इसमें। अब इसके सामने वैल्यू कितनी है? 15। इसके सामने वैल्यू कितनी है बाइनरी की? 1111। अब देखो यहाँ पे 1111 देखोगे तो पता चलेगा क्या है, इसके बाद एक बिट बढ़ रहा है, राइट। इसके बाद में एक बिट बढ़ जाता है, तो ये 5 बिट्स हो जाते हैं, इसलिए ये 4 बिट नंबर, ये 4 बिट है। ऐसे ही यहाँ ऑक्टल में देखोगे तो 7 है और यहाँ 3 बिट्स है, इसके बाद 8 में चेंज हो रहा है ना बिट, राइट। तो ये एफ है, यहाँ 4 बिट्स में है, तो ये इसीलिए बनाया गया कि 4 4 बिट्स में हमें लिखना हो तो हम हेक्सा डेसिमल को शॉर्ट करके यूज करेंगे। अब ये देखो 21 के सामने 15, यहाँ 25, तो मैं अगर इसको कब आगे बढ़ाऊं, देखो फिर क्या हुआ, 1 6 1 7 1 8 1 9, फिर 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E, राइट। और देखो 31 पे ये 1 F और फिर 2 0, और ये ऑक्टल भी देखो अपने आप बढ़ रहा है, 4 0 3 7, राइट दिस। तो ये हमारा एक चार्ट है, इसको हम न्यूमेरिकल चार्ट बोल सकते हैं कि कौन किस नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ वी जनरली रिप्रेजेंट दिस थिंग। तो ये देखो राइट, F के सामने 1111। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, वही चीज सीखेंगे। पहले अगर मैं बोलूँ डेसिमल से हेक्सा डेसिमल, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि डेसिमल से हेक्सा डेसिमल कैसे होगा। कोई भी डेसिमल नंबर लो, इफ आई एम आस्किंग 195, ठीक है, तो इसको हेक्सा डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 195 तो 195 को क्या करोगे आप? 195 को 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो वैसे ही कर रहे थे मोड, जैसे इसका इससे रिमाइंडर आ गया 13, इसको कर दिया डिवाइड इससे, राइट, 12 इंटीजर लगा दिया आगे। अब 16 को करो इससे, तो ये 12, तो 12 तो ये फिर अगर हम करेंगे 1 2 3, ये तो 3 डिजिट हो गया, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हेक्सा में, ठीक है। इसको हेक्सा में लिखना है, तो ये आएगा हेक्सा टू डेसिमल, नहीं सॉरी उल्टा, डेसिमल टू हेक्सा, ये हो गया। 12 को लिखेंगे सी, 12 इज इक्वल टू क्या है, 12 के 12 को सिंगल डिजिट में कैसे लिखेंगे, ये डेसिमल में 12 है तो सी, तो यहाँ क्या लिखोगे? C3, C3 इन हेक्सा, राइट। समझ में आया? अब कोई भी एक और नंबर बोलो, 171, ठीक है, 171। तो आपने जो 171 नंबर बोला, बहुत सिंपल, इसको क्या करोगे, इसको 16 से डिवाइड करोगे, है कि नहीं? तो ये लिखा 16, तो 16 टेंजा 160, क्या बचा? 11। अब 16 से ये 10 को डिवाइड करो 16 को, तो क्या बचा? 0। तो ये सारा का सारा रिमाइंडर आ गया। तो अब इसका आप क्या लिखोगे, 1011, राइट। ये 1011 अगर आप लिखोगे तो ये रॉन्ग है, भूल से भी मत लिखना। ये 1011 क्या हुआ, ये आपका हो गया 4 डिजिट में, जबकि आपका सॉल्यूशन तो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 101 इन हेक्सा अगर आप लिख रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, राइट। दिस इज नथिंग बट टोटली रॉन्ग, ये गलत है। तो कैसे लिखेंगे फिर, इसको कैसे लिखेंगे फिर? आपको ये करना है कि 11A, ये 10 यानी होता है A, ठीक है, 10 का मतलब है A, 11 का मतलब है B। सो यू हैव टू फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगेन आपको नोट करना है बॉटम से टॉप, तो आंसर क्या आएगा इसका? KB। KB यानी अगर आपने लिखा 171 इन डेसिमल, व्हिच इज नॉट इक्वल, सिंपली इक्वल टू AB,
171 in decimal, right, equals to AB in hexadecimal. समझ में आई बात? आ रहा समझ में? पक्का ना? तो अब यहाँ चेंज करके देखो, 171 क्या हुआ, AB आया, ये लेकिन बॉटम टू टॉप नोट करेंगे ना? अरे एक मिनट, हाँ बोलो। A 10 जो है, 10 को हम ये देखो, ये वहाँ ये सिलेक्ट करोगे, ये डेसिमल है ना, यहाँ से चेक करोगे, दिस इज योर डेसिमल एरिया, ये वाले कॉलम से चेक करोगे, दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर हेक्सा कॉलम, तो आपको इस कॉलम से करना है। देखो 10 यानी A, 11 यानी B, 12 यानी C, 13 यानी D, तो अब E 15 को सिंगल, हाँ 15 को, अब यहाँ पे आया रिमाइंडर क्या आया, 11 आया ना, तो 11 को सिंगल डिजिट में कैसे लिखोगे, तो आपको हंड्रेड बी, 10 को कैसे लिखोगे, A, और यही पे अगर 7 और 1 है तो 7 और 7 और 1 तो सेम ही आएगा ना, 7 को 7 में ही लिखेंगे, लेकिन 71 नहीं बोलेंगे, 71 बोलेंगे, इट्स नॉट 71। अब ये 195 है, ये 195 है, जिसका मतलब है AB, सो ये AB इन 16 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये है 195, डोंट से 7 राइट 1, ये है 195, तो 195 को हेक्सा में कैसे लिखते हैं वो है, क्लियर? तो डेसिमल टू हेक्सा समझ में आ गया? पक्का? अब हेक्सा टू डेसिमल देखो।